तो हाँ जी, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से कोलकाता, और वो भी बाय ट्रेन। तो आपको पूरा जर्नी में आपको पता चलेगा आप कैसे अहमदाबाद से कोलकाता जा सकते हो, और ट्रेन का टिकट क्या है, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा। और हम अभी टाइम हो रहा है 10:30, और हमारा ट्रेन है 12:30 का, और मैं हूँ अभी गांधीनगर में। यहाँ से मैं जाऊँगा अहमदाबाद, जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है वहाँ से फिर मेरा टिकट है। तो हम पहले वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से फिर हमारा जर्नी चालू होगा। तो चलिए, अभी काफ़ी लेट हो जाएगा फिर अगर मिस ना हो जाए फिर, तो निकलते हैं पहले, फिर वहाँ जाके आपको डिटेल में सब शेयर करता हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अहमदाबाद स्टेशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। अभी दिवाली का टाइम है ना, तो भीड़ इतना है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं थोड़ा जल्दी टाइम लेके निकलिएगा, क्योंकि यहाँ पे काम चालू है ना, तो बहुत ट्रैफिक होता है। ये कुछ नज़ारा यहाँ का है। टिकट में बहुत सारा लाइन है, अपना पहले से बुक है इसलिए ऐसा है। यहाँ पे आप पहले देख लीजिएगा आके, एक्चुअली ये फ़ोन की वजह से ऐसा फ्लिकर हो रहा है, अदरवाइज़ आपको क्लीन दिख जाएगा। प्लेटफॉर्म देख के ही फिर जाइएगा, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए पहले मैं डिस्प्ले के ऊपर देख लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी मैं पहुंचा हूं रौरकेला जंक्शन, जो है ओडिशा में। तो हम लोग अहमदाबाद से बैठे थे, ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं, आज पहुंच जाएंगे कोलकाता, जो हावड़ा स्टेशन है वहां पे। पर बहुत लेट चल रहा है, 2.25 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन, इतना स्लो चल रहा है, कंटाल गए यार। एसी है पर फिर भी आप मतलब बोर हो जाते हो ना बैठे बैठे, तो काफ़ी बार मतलब साइड में होल्ड भी कर देते हैं। देखते अभी कितनी देर तक लगाते हैं। मैं बताता हूँ ये जंक्शन कुछ कैसा दिखता है। ये है रौरकेला जंक्शन ओडिशा का, ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल जैसा ही है। ये हमारा B7, तो चाय का देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। ये है खड़गपुर स्टेशन, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में आने से पहले काम करते थे। तो ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। बस हमारी ट्रेन ने थोड़ा होल्ड लिया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बाहर आया था वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब मैं चलता हूँ अंदर। The next day. गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और फिलहाल मैं अभी हूँ कोलकाता में, और अभी मैं जा रहा हूँ, आज दूसरा दिन है मेरा, और अभी मैं जा रहा हूँ दीघा। यहाँ पे जो बीच है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो आप हावड़ा से जाएंगे तो आपको 2 ट्रेन में चलता है यहाँ पे, और अगर आप जाएंगे तो उसका 180 किलोमीटर समथिंग उसका कुछ डिस्टेंस है। और आपको वो ट्रेन 2 चलता है जो मिल जाएगा, अगर आप बस में भी जाना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो मेंशन कर दूंगा कि आपको कहाँ से और कितना प्राइस मिलेगा। तो हमने बुक करा दिया पहले से, आप कराइएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। अभी हम जा रहे हैं, 4 घंटे का डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर जो है। और अभी निकले हैं हम, क्योंकि हमारा ट्रेन थोड़ा डिले है, सुबह का 6:30 का था पर अब डिले होकर 9:30 हो गया है। तो अभी फ़िलहाल जा ही रहे हैं, यहाँ से जाएंगे हावड़ा, और हावड़ा से फिर जाएंगे, क्योंकि ये हावड़ा से ही चलता है तो आप बीच में से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप नज़दीक में रहते हो तो आप हावड़ा से कनेक्ट कर सकते हो उसको। अभी देखते हैं, कैब बुक किया है, आ रहा है, फिर हावड़ा चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हावड़ा जाने का डिस्टेंस हमारा 1 घंटे का है, तो वो हिसाब से ही थोड़ा जल्दी निकले हैं। देखते हैं फिर बाकी का डिटेल मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा कि कैसा है। सुबह का कोलकाता सिटी का कुछ नज़ारा ऐसा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन पुराना है ना, तो रोड भी छोटे छोटे ही है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतना जगह है ही नहीं। अदरवाइज़ यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं जाने के लिए। आपको रैपिडो से लेके आप मेट्रो, टोटो, जो यहाँ इलेक्ट्रिक जो चलता है उसको टोटो बोलते हैं,
एक आ रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो आ रहा है वैसा इलेक्ट्रिक वाला चलता है यहाँ पे। ये है यहाँ का फेमस हावड़ा रेलवे स्टेशन, दिख रहा है आपको, पीछे आपको दिख रहा है वो है हावड़ा ब्रिज, और उसके ही बिल्कुल पास में है वेलकम टू न्यू कैप रोड, मतलब ये नया बना है ना इसीलिए। काफ़ी भीड़ है आज, जो दिवाली टाइम चल रहा है ना इसीलिए। और यहाँ पे ये बाय आपको येलो वाला टैक्सी बहुत दिखेगा, ऐसा कुछ यहाँ बाहर का नज़ारा है। साढ़े नौ का है अभी टाइम, हो रहा है 7:45, चलो पहुँच तो गए हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है ना। हमें जाना है 20 प्लेटफॉर्म पे। ये जो ट्रेन दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ आके अटक जाता है, बाकी सब आपने प्लेटफॉर्म में देखा होगा ये ट्रेन, मतलब एक तरफ से आता है दूसरी तरफ चला जाता है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉप हो जाता है, फिर यहीं से इंजन चेंज होके फिर वापस जाता है। फिर 20 प्लेटफॉर्म नंबर है, यहाँ से हमें ट्रेन छोड़ेगा दीघा के लिए। 4 घंटे का जर्नी होगा, 180 किलोमीटर, बहुत आवाज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा था और मैंने देख लिया कि मुझे ट्रेन कौन सी दिखी है, अपने गुजरात की राजकोट जा रही है राजस्थान होके बाड़मेर। या हावड़ा से बाड़मेर राजकोट, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी भीड़ है, ट्रेन कुछ ऐसा है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ जिसमें ऐसे बैठ के जाना है और पूरा एसी वाला है। ऐसा है एसी वाला, सिटिंग वाला। तो ये पूरा ना फ्लाइट जैसा करके रखा है, स्पेस भी काफ़ी है, यहाँ भी हैंडल दिया हुआ है, विंडो है, और यहाँ ट्रे भी दिया है अगर आपको नाश्ता करना है उसके लिए, जैसा फ्लाइट होता है ना सेम वैसा करके रखा है। बहुत अच्छा है यार, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। पानी का बॉटल का है, यहाँ भी आप कुछ रख सकते हो, स्पेस भी देखिए काफ़ी सारा है, अगर कोई लंबा है तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगा। मेरा हाइट है 5.5, तो इतना ही इनफ है, अगर 6 तक भी होगा तो दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पेस काफ़ी हो रहा है ना। ऐसा कुछ है, अपना सामान आप ऊपर रख सकते हो, हमने तो यूज़ कर भी लिया है, अभी चाय लिया था तो देखिए अच्छा बैलेंस है। यहाँ का लोकल ट्रेन है, ऐसा ही लोकल ट्रेन यहाँ चलता है। एक्चुअली ग्लास इतना सही है नहीं ना, मतलब थोड़ा गंदा हुआ है इसलिए इतना क्लियर आ नहीं रहा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जितना अच्छे से दिखा पाऊँ। ये यहाँ का पूरा भरा हुआ ही जाता है यहाँ का लोकल ट्रेन, क्योंकि रोड पे तो इतना ट्रैफिक होता है तो क्या ही करेंगे। देखिए दूसरा आ गया, फाइनली 4 घंटे बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। 3 घंटे का डिस्टेंस था पर लेट कर था। तो ये है दीघा,
यही है स्टेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं, गांव जैसा ही है। और ये था अपना ट्रेन, दो ही ट्रेन आता है यहाँ पे। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं होटल पे, सामान रख के फिर हम जाएंगे बीच के ऊपर, फिर वहाँ पे आपको फिर मैं दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा है दीघा का, चारों तरफ ना आपको पेड़ ही दिखेंगे। काफ़ी सारा टूरिस्ट, ये सब टूरिस्ट ही है ज़्यादातर, क्योंकि ये कोई बड़ा सिटी है नहीं, तो ज़्यादातर जो आते हैं वो टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कैसा है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो देखते हैं। और एसी का प्राइस था 300 रुपया, और आप नॉन एसी करोगे तो उससे कम हो जाएगा। हमारा लास्ट वाला बोगी था ना, तो चलना बहुत पड़ रहा है, हम वहाँ से चल के आ रहे हैं और हमें जाना है इस तरह। अभी धूप ही है तो चश्मा भी लगा दिया है, पता नहीं ये पानी क्यों निकल रहा है, शायद अंदर डाल रहे हैं ना उसका पानी है। पूरा ट्रेन वापस भर गया क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है, ये लास्ट स्टॉप है, इसलिए यहाँ से हम वापस जाएगी कोलकाता। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, सब टूरिस्ट हैं, पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा बीच के ऊपर। यहाँ पे ना ऐसा वाला टोटो ज़्यादा चलता है, बैटरी वाला। और आपने ये होटल बुक किए हैं, कृष्णा कॉटेज। इस तरफ से आप जाएंगे तो बीच की तरफ जाएंगे, वो जब हम निकलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ सब होटल ही है ज़्यादातर, ये टूरिस्ट प्लेस है ना इसीलिए। तो फिलहाल हमने होटल ले लिया, जो मैंने आपको बताया था ना कृष्णा कॉटेज, वही हमने लिया है। इसका प्राइस कुछ 3000 के आसपास पड़ा है, आप बार्गेन करोगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है आपके होटल के लिए, अगर आप बुक नहीं करेंगे और यहाँ पे आके आप लेंगे तो भी आपको अवेलेबल रहेगा, बस बार्गेन करना पड़ेगा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो अभी फ़िलहाल हमने ले लिया, मैं आपको बताता रूम कैसा है, काफ़ी अच्छा रूम है। तो यहाँ से एंटर होता है तो यहाँ से एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, यह आपका अलमारी है अगर आपको कुछ रखना है तो उसके लिए। दो बेड है यहाँ पे, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप बड़ा रूम लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। टीवी है अच्छा खासा, एसी भी है, क्योंकि एसी वाला लेना बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पे बीच है ना तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगता है। सोफ़ा है, टेबल है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। तो अच्छे प्राइस में 3000 में तो ठीक ही है, तो अगर आप भी चाहे तो लेना।